हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आपके प्रिपरेशन का आज लास्ट डेट रहा है, कल आप लोग के एग्जाम होने हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू गाइस। और मुझे उम्मीद है कि इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन आएंगे, लास्ट ईयर से ज्यादा आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर देखिए 368 में हम लोग करीब 200 प्लस या 206 के आसपास में कैंडिडेट्स थे जो हमारे साथ जुड़े थे, जो क्वालिफाई हुए थे। तो इस बार मुझे लगता है बहुत बेहतर चांस है आपके पास में। और ध्यान रहे, पिछली बार क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से मोस्ट ऑफ देम वेर एवरेज स्टूडेंट, इनके 20 के आसपास में ही सही हो रहे थे, है ना, टेक्निकल सेक्शन में। तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। सबसे बड़ा जो आपके लिए इस समय, आपके लिए मेरे तरफ से एडवाइस रहेगी, वो ये है कि प्रेशर नहीं लेना। एग्जाम सेंटर पे जब जाते हैं, मान लेते हैं आपके पास में क्वेश्चन पेपर आता है, सपोज कर लिए आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता, तो घबराना नहीं है, आपको वो क्वेश्चन ढूंढना है जो आपको आता है। और जैसे ही आपको जो आ रहे होते हैं, धीरे धीरे जो क्वेश्चन होते हैं वो करना शुरू करते हैं ना, धीरे धीरे जो नहीं आ रहे होते हैं वो अपने आप रिकॉल होना शुरू हो जाते हैं। कुल मिला के आपको थोड़ी पॉजिटिविटी बना के रखनी है, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस रहेगी, ताकि आपके ब्लंडर्स ना हो। जिन लोगों ने भी आज मॉक्स दिया है, उन मैंने मना कर दिया था वैसे कल कि आप मॉक्स ना दें, लेकिन जिनने भी मना आज लिया है मॉक्स, आप सबके साथ में क्या घटना कॉमन हुई है, मैंने खुद देखा है एनालिसिस। मेरे एप्लीकेशन पे आप मॉक देंगे तो मुझे एक कैंडिडेट का दिखता है, सबके मार्क्स आज लगभग 6 से 10 नंबर लगभग गिरे हुए थे। रीजन उसका बस यही है कि आप प्रेशराइज हैं, आप हड़बड़ाहट में सिली सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो इसको अगर आप मैनेज कर पाएंगे ना, और उसके बाद भी उनके ऑन एवरेज हमारे प्लेटफॉर्म पे जो स्कोर रहा है कैंडिडेट्स का, वो लगभग 72-78 के बीच में रहा है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर पाएंगे तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया चांस है, राइट। और ये मॉक है, ठीक है, नॉट ए रियल एग्जाम, ठीक है, रियल एग्जाम नहीं है, मॉक है। तो मॉक थोड़े से हार्ड लेवल के बनाए भी जाते हैं। एग्जामिनेशन में थोड़ा सा पेपर आपका इससे ईजी ही रहना है, इससे टफ नहीं होना है, क्योंकि हम हमारे मॉक का आपने स्टैंडर्ड देख रखा है, पहले से आप देख चुके होंगे। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि एग्जाम टाइम में आपको एकदम काम रहना है। आपके पास आने वाले ईयर में 2 कंसेक्यूटिव वैकेंसीज होनी है, तो एक थोड़ा सा वहां से रिलैक्सिंग फैक्टर ले लीजिए। एक फैक्टर ये ले लीजिए कि इस साल भी आपकी आईएमडी की साइंटिफिक असिस्टेंट और ईपीएफओ ग्रेड बी ग्रेड ए वाली, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं उसका नाम, वो अगले महीने में ही आने वाली है। तो 2 वैकेंसीज आपके पास में अभी है, राइट नाउ है, जो टेक्निकल फील्ड से आपको जोड़कर रखती है, तो बहुत बढ़िया चांस है, उसमें भी आप बेटर कर पाएंगे। कुल मिला के आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अगर होगा तो बेटर है, नहीं होगा तो भी हम कुछ ना कुछ आपके लिए सजेस्ट करेंगे कि 2-3 एग्जाम्स लगातार होने ही हैं, इस साल भी, अगले साल भी। तो आपको ये समझ के चलिए कि 1 से 2 साल के अंदर अंदर अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई हमारे साथ मन के करेंगे तो होना तो वैसे भी है। तो चाहे आप नेगेटिव वे में, चाहे आप पॉजिटिव वे में, आपको करना क्या है, प्रेशर नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप 20 नंबर से ज्यादा अगर आप कर पाते हैं, सही सही कर पाते हैं टेक्निकल सेक्शन में, तो एटलीस्ट आपको इतना पता है कि बाय प्रोबेबिलिटी अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो 40 में 10 सही होते ही हैं, कितनी भी खराब किस्मत हो। पर अगर आपने जरा भी पढ़ा है तो जो प्रोबेबिलिटी होती है 1/3 की हो जाती है, यानी चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत रिविजन करके रखा है, राइट। सो आज के लिए हमारी तरफ से आपके लिए टिप्स जो है वो यही है, काम रहिए, समय से सो जाइए, कल सेंटर पे जाइए और धूम मचा के आइए। शाम में आप घबराए हुए होंगे, हमारे पास ज़्यादा कॉल आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी आप देख पा रहे होंगे मुझे देख करके कि सुबह से लेकर शाम तक मैं लगातार फ़ोन पे रहा हूँ आप लोगों को गाइड करने में। और मेरी पर्सनली जिन कैंडिडेट से बात हुई, उनमें अबाउट 50-60 कैंडिडेट्स एक्चुअली ऐसे हैं जिनमें लगता है कि वो इस बार तो पक्का क्वालिफाई करके जाएंगे, जिनमें कुछ ब्रिलियंट हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जो 95-98 तक लेके आने वाले भी हैं, तो ऐसे बिरले ही होते हैं। और सबसे खास बात यह है, हमारे पास में जितने स्टूडेंट्स हैं वो क्रीम है, मतलब अपने इस पूरे एग्जाम का क्रीम बच्चा अपने पास में है, जिसको थोड़ा सा आइडिया होता है एग्जाम का, जिसको ये पता होता है कि स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, इसको कंटेंट की थोड़ी सी नॉलेज होती है, वही सारे बच्चे अपने पास में हैं। तो सिलेक्शन बेटर है कि इस बार, मतलब मोस्ट प्रोबेबल है कि अपने पास सबसे ज्यादा आएगी। लास्ट ईयर अगर 206 थे तो इस बार आंकड़ा 306 जाना चाहिए, 400 में एटलीस्ट, ठीक है, और जाएगा भी। बस आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, थोड़ा सा काम रहिए एग्जाम में, बस सिली मिस्टेक्स मत करिएगा, अटेम्प्ट सारे करने। कोई आपसे कहता है कि स्ट्राइक रेट का वो इशू आता, कुछ नहीं आता, वो तब आता है जब आपके इक्वल मार्क्स आएंगे। अगर आप 10 ऐसे ही अटेम्प्ट कर दिए तो 2-3 नंबर अगर आपके बढ़ गए तो क्या है, आप वैसे भी आगे लीड कर गए 2-3 मार्क्स से। तो इस चक्कर मत पड़िए, सारे अटेम्प्ट करने हैं। पहले राउंड में जो अगर आपके पास बेटर स्ट्रेटजी है, फॉलो दैट, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो गाइडेंस लेना चाह रहा है कि सर मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं, देन देयर इज अ स्ट्रेटजी फ्रॉम माय साइड, दैट इज कि पहले 20 से 25 मिनट या आधे घंटे में आप सीधा सीधा स्किप करते हुए हर क्वेश्चन जाइए, जो आपसे तत्काल लगने वाले हों सारे कर डालिए। उससे क्या होगा, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसे आते हुए क्वेश्चन अगर आप जल्दी से तुक्का मार देते हैं क्योंकि टाइम नहीं बच रहा है, तो बहुत बाद में खलता है। तो आप क्या करिए, जो देखते ही हो जाए, जैसे आपके टेक्निकल सेक्शन में कुल 15 क्वेश्चन ऐसे लगे होते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन जो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपने जरा भी पढ़ा तुरंत हिट कर जाता है, ये तो यही है। ऐसे ही नॉन टेक्निकल सेक्शन में भी आप पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे सीधे सीधे, जैसे जीके में है, जो आता है वो आता है, नहीं आता नहीं आता है। इंग्लिश में जो आता है नहीं आता नहीं आता है, उसमें कोई विचार करने वाली बहुत बड़ी बात है नहीं। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन तो सीधे लगते चले जाते हैं, कुछ जरूर ट्रिकी होते हैं जो फंसा के रखते हैं। एप्टी में थोड़ा सा आपको रहेगा,
तो पहले सत्र निकास कर जाइए 30 मिनट में। सेकंड राउंड में आप नॉन टेक्निकल सेक्शन का सिक्योर कर लीजिए, जो भी आपसे फंस रहे हैं वो सब सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि मार्क्स तो मार्क्स होते हैं कहीं से भी आए, राइट। उसके बाद में आप टेक्निकल सेक्शन में जाएंगे। टेक्निकल सेक्शन में जो एवरेज टाइप के हैं, इनमें आपको डाउट लग रहा है कि आप कर पाएंगे वो करिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लेंदी आपको लग रहा है कर तो लेंगे लेकिन बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, उसको तुरंत छोड़ दीजिए, मेरी सलाह यही रहेगी। और फिर फाइनल में अगर आपके पास लास्ट में बचता है, मेरे स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि दो राउंड आप लगभग कर लिए और समय बच रहा है लास्ट में, फिर यही मेरी स्ट्रेटजी रही है। और इसी वजह से मैं बिना पढ़े लगभग 10-12 दिन का स्टडी करके मैं ज्यादातर एग्जाम क्वालिफाई कर लेता हूं, और आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग सारे एग्जाम UPSSC के एग्जाम्स में फिलअप करता रहता हूं। थोड़ा सा पैशन भी होता है एग्जाम में अपीयर होना, कोई भी एग्जाम हो थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए। बहरहाल इस बार तो ATC के एग्जाम में मैं अपीयर नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डेटा वगैरह मैच करता है तो थोड़ा सा इशू रहता है। खैर, तो मेरी आपसे सलाह यही है, काम रहिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, बहुत बढ़िया चांस हैं आपके कि आपके हो जाने चाहिए इस बार। नहीं भी होते हैं तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ईयर है, नहीं एलिजिबल नेक्स्ट ईयर है तो इस साल में भी दो वैकेंसीज आपके सामने हैं जिनमें आप अपीयर होंगे। और इस बार देखिए हड़बड़ाहट भी नहीं होगी, और जो एग्जाम होने हैं दोनों जो प्रॉब्लम है वो लगभग नवंबर दिसंबर में होने हैं। दैट मीन्स कि आपके पास में टाइम है, मैं आपको गाइडेंस उतना दे दूंगा, मटेरियल उतना दे दूंगा कि आपके लिए काम हो जाएगा, राइट। दूसरी बात, जैसे अगर कल आपका पेपर हो जाएगा, कल शाम को या परसों मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको मेंशन करूंगा कुछ एग्जाम्स। ये एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो टेक्निकल फील्ड के ज्यादातर होते हैं, और अगर आप ATC के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे तो काम भर की चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। दूसरी बात, अगर IIMD साइंटिफिक असिस्टेंट में आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा पहले से ही आपका थोड़ा सा गाइडेंस स्टार्ट कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि इस बार जो समय की दिक्कत हुई है कि आप अगर हम लोग एक महीने पहले स्टार्ट करते शायद हम लोग आज कहीं बेटर प्लेस पे होते, जबकि आपको पहले से पता है कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि मार्च या अप्रैल तक वैकेंसी आ जानी चाहिए, जो कि किसी कारण बस इस बार डिले होती चली गई। तो अगर हम लोग मार्च या अप्रैल के आसपास में ही अगर बैच लॉन्च करते दैट वुड हैव बीन अबाउट 3-4 months और हम लोग कहीं बेटर प्लेस पे स्टैंड करते। लेकिन होता क्या है कि अगर नोटिफिकेशन से पहले आप कोई बैच अनाउंस करते हैं तो मिला जुला के 2-3 कैंडिडेट ही रहते हैं, और बाद में जो बच्चे इनरोल करते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है कि सर इतना सारा पहले से हो चुका है, सो दैट्स व्हाई इट हैव बीन डिलेड। लेकिन नेक्स्ट टाइम से सब करेंगे। तो कुल मिला जुला के ये है कि आपके पास अभी भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इसके लिए लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना, आपको प्रेशराइज नहीं होना, काम रहिए, कूल रहिए, पेपर को अटेम्प्ट करिए, वो चुनिए जो आपको आता है, जो नहीं आते वो अपने आप आने लग जाते हैं जब आपके कॉन्फिडेंस होता है। और पहला ही क्वेश्चन आपको मिला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, तो आप परेशान हो जाते हैं, उससे क्या होता है पूरा पेपर खराब होता है। तो आपको ये ध्यान ही नहीं देना कि नहीं आता, आपको ढूंढना कौन सा आता है, ठीक है। एक तो आएगा, जैसे ही वो आता है देखोगे फिर कौन सा आ रहा है, ऐसे करते करते आप पाओगे 50-60 क्वेश्चन आपके हो गए टोटल में से, 50-60 जहां होते हैं वहीं आप तुरंत लगता है कि अरे अब तो कोई बात नहीं, अब तो बाकी में अगर मैं 60 में तुक्का मारूंगा तब भी तो मेरा 20 तो आना ही है, तो अबाउट में कट ऑफ के आसपास पहुंचने ही वाला हूं। तो धीरे धीरे करके मनोबल बढ़ता है, और फिर जो नहीं आ रहे होते हैं वो होते होते जाते हैं, और आपके लगते हैं कि 70% तो लगभग या 70-80 के बीच में आप पाएंगे कि आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है, और बाकी में बाई प्रोबेबिलिटी और बाई हिट एंड चांस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके 15-20 नंबर बढ़ ही जाते हैं। तो कुल मिला के स्ट्रेटजी पॉजिटिव रखिए, और बस इतना सा है मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट की बस प्रेशर मत लीजिएगा, आप कर पाएंगे। लास्ट ईयर का रिकॉर्ड रहा है कि एवरेज स्टूडेंट सबसे ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं देन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स से। अब मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को डिमोलाइज नहीं कर रहा हूं, बस आपसे बस यही सलाह कर रहा हूं कि ब्रिलियंट जो होते हैं वो ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, 90 नंबर मार्क्स में लेके आते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम इतना प्रेशराइज हो जाते हैं, few of them have called me today also, कि इतना ज्यादा प्रेशराइज, इतना घबराहट, ऐसे कैसे काम बनेगा, आपके मॉक्स आप देख रहे हो आज आपके नंबर्स कम आ रहे हैं, रीजन यही है कि आप प्रेशर ले रहे हो, प्रेशर नहीं लेना, काम रहिए। मेरी ये सलाह है कि सुबह आपके चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में अगर पेपर है तो आप जब लौट के आइए तो हमें कम से कम इंपॉर्टेंट सेक्शंस और टॉपिक्स बता दीजिए, वो मेरे लिए और साथ साथ में बाकी कैंडिडेट के लिए काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो इतना अगर आप कर पाएं तो हमें लगता है कि हमारे लिए आप एक बेटर सपोर्ट की तरह काम कर रहे होंगे। और दूसरी बात ध्यान रखें, सुबह जब उठें कोशिश करेंगे जल्दी उठ के, या 7 बजे तक भी उठ रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, दौड़ लें, उससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेट अगर हो जाता है तो ब्रेन अच्छा फोकस काम कर पाता है एग्जाम में, ठीक है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो थोड़ा जल्दी उठ के कर लीजिएगा, अगर इवनिंग शिफ्ट में या दोपहर शिफ्ट में तो सुबह जरूर हम कहेंगे कि थोड़ी सी एक्सरसाइज, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इतना कर लीजिए, इतना कार्डियो एक्सरसाइज कर लीजिए कि आपके शरीर में पूरा ब्लड सर्कुलेट हो जाए, आप पॉजिटिव फील करेंगे और बेटर से बेटर कर पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, एक थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप का मैंने एक सेशन मतलब ये बनाया है कि आप थोड़ा सा मोटिवेट रहें, पैनिक ना हो किसी तरीके से भी, और कोई भी डाउट होती, कहीं भी कोई दिक्कत आती हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आपके पास माय नंबर है, स्क्रीन पे रन भी कर रहे हैं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम यू कैन कॉल मी टुडे और एंड टुमारो इवन, आप मुझसे बात करिए अगर कहीं भी डाउट हो रही है। एंड देन ऑल दैट्स ऑल, विश यू द बेस्ट, और मुझे इतनी उम्मीद है कि आप इस बार झंडे गाड़ के आएंगे, ठीक है, मेरी उम्मीद आपसे है, और इसका प्रेशर नहीं लेना, मुझे आप पे भरोसा है, आपको भले खुद का भरोसा ना हो, मुझे है, आप में से जितने लोगों ने भी मुझे कॉल किया है मैं सबको आज एनालाइज कर रहा था, मैं देख रहा हूँ एक दो को तो मैं उतना श्योर नहीं हूं, लेकिन लगभग 90% आप में से ऐसे हैं जो क्वालिफाई करेंगे इस बार, ठीक है, ये मेरा वादा है। तो देख लेते हैं कल, अच्छा करके आइएगा, ऑल द बेस्ट,
अच्छा एक चीज और है कि एग्जाम सेंटर पे जाते समय कोविड प्रोटोकॉल की जो चीजें नॉर्म्स मेंशन है उन चीजों को ले लीजिए, लेकिन अगर बाय द वे आप नहीं ले पाए हैं तो बहुत पैनिक ना होइए, सेंटर्स पे ज्यादातर केसेस में चेक नहीं होते, कभी नहीं हुए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर भी नहीं हुए। हाँ, मास्क जरूर है आपके पास में, एक ट्रांसपेरेंट बोतल अगर आप पानी ले जाते हैं तो, अदरवाइज कौन लेके जाता है, बहुत सारे लोग नहीं लेके आते हैं। सैनिटाइजर अगर लेके जाते हैं तो ठीक है, नहीं लेके आते हैं तो भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं रहता है। हाँ, पेन एक जरूर लेके जाइएगा, ठीक है, एक पेन जरूर लेके जाइएगा, दो पासपोर्ट साइज की फोटोज, एडमिट कार्ड अपना लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड पे कुछ नॉर्म्स मेंशन है, उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए, आप लोग उसको नहीं पढ़ते हैं बड़ी समस्या इस बात की रहती है, इसको जरूर पढ़िएगा, यानी कि ग्रुप्स में डायरेक्टली क्वेश्चन डालने से बचिएगा, क्वेश्चन नहीं डालना इस बार आपको, ठीक है, जब तक कि खुद वो लोग क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं करते तब तक आप क्वेश्चन को डायरेक्टली आप कहीं भी मेंशन ना करें किसी ग्रुप में, ठीक है, वो पहले से मेंशन है। तो आप क्या, हम लोग क्या बात करेंगे टॉपिक्स और चैप्टर्स की, कहां से कितने टाइप के, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन की बात हम लोग नहीं करेंगे कल, ठीक है। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा कॉम रहिए, एंड विश यू द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।